हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 अ हाउस लाइक दिस। क्या आपके स्कूल में कभी किसी तरीके का कैंप हुआ है? हम पढ़ने जा रहे हैं एक बच्चे की कहानी जो अपने स्कूल में होने वाले कैंप के बारे में कुछ बता रहा है। माई नेम इज नसीम। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। श्रीनगर कहाँ है? हमारे देश के सबसे ऊपरी राज्य में से एक है जम्मू और कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। Since yesterday, there is a lot of activity in our school. मेरे स्कूल में कल से बहुत सारी एक्टिविटीज होने लगी है जो एक हफ्ते तक चलने वाली है। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों? There is a camp being held in our school. मेरे स्कूल में एक कैंप होने वाला है। Children have come from many places for the camp. और पूरे देश के बहुत सारी जगह से अलग अलग स्कूल से बच्चे मेरे स्कूल में कैंप करने के लिए आए हैं। Tents have been put up in our ground. बच्चों को रहने के लिए टेंट्स लगाए गए हैं और जहाँ पे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज को एक साथ एंजॉय करेंगे। हमने अपने स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। Some children have used pieces of cloth to make streamers for the door. कुछ बच्चों ने कपड़ों के टुकड़ों से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीमर बनाया है। स्ट्रीमर मतलब दरवाजे में डेकोरेशन करने के लिए जो तोरण टाइप की चीज होती है, जो कपड़े से बनती है, पेपर से बनती है, फूलों से भी बनती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रीमर। सम चिल्ड्रन हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल, वाइल सम हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट। कुछ बच्चों ने सूखे हुए पत्तों से बहुत ही खूबसूरत रंगोली भी बनाई है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। आज हमारे कैंप का पहला दिन है और हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। आज सुबह को हम सभी एक साथ मिलके ग्राउंड में सर्कल बना के बैठे हैं और हम सभी एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या खाना पसंद है, वगैरह वगैरह। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम। और बाकी सभी बच्चे अपने घर वालों के पिक्चर्स और अपने घर के पिक्चर अपने साथ लाए हैं हमें दिखाने के लिए। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम। सबसे पहले भूपेन की बारी थी। भूपेन ने कहा, आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम। मैं असम के मोलान विलेज से आया हूँ। असम कहाँ पे है? दिस इज द लोकेशन ऑफ असम इन आवर इंडिया। मोलान कहता है कि हमारे स्टेट में बहुत जोरदार बारिश होती है। इट रेन्स हेवीली इन आवर प्लेस, हेंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। और इसीलिए हमारे घर जमीन से थोड़े ऊपर बनाए जाते हैं ताकि जब बहुत ज्यादा बारिश हो और जमीन पे पानी जम जाए तो वो पानी घर के अंदर तक ना आ पाए, इसीलिए जमीन से बहुत ऊपर हमारे घर बनाए जाते हैं। हमारे घर के रूफ भी स्लैंटिंग होते हैं जिससे कि बारिश का पानी छत के ऊपर भी ना जम पाए। द हाउसेस आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स एंड इनसाइड आवर हाउस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। इन पिलर्स को सख्त बांस के द्वारा बनाया जाता है और घर के अंदर भी लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि असम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैम्बू, ग्रास, वुड ये सब बहुत ही आसानी से मिलते हैं। नाउ गिव मी द आंसर, वाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेर भूपेन लिव्स। जहाँ पे भूपेन रहता है वहाँ के घर बैम्बू पिलर्स के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? इन असम वेर भूपेन लिव्स इट रेन्स अलॉट। वहाँ पे बहुत बारिश होती है। सो टू सेव द हाउसेस फ्रॉम फ्लडिंग अवे द हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। और इन घरों की एक और स्पेशलिटी ये है कि अ लैडर इज देयर फॉर पीपल टू गेट इन एंड गेट आउट। इन घरों के अंदर जाने के लिए एक स्पेशल टाइप के लैडर का प्रयोग किया जाता है। इसी लैडर से लोग ऊपर जाते हैं और नीचे भी आते हैं और रात के समय पे इस लैडर को फोल्ड करके अंदर रख दिया जाता है। एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड टू बी सेफ फ्रॉम एनिमल्स। व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउस हैव? इन घरों की छतें कैसी होती है? व्हाई आर दे मेड लाइक दिस? दीज हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ। इन घरों के स्लैंटिंग छत होते हैं सो दैट द रेन वाटर कैन स्लाइड ऑफ वेरी इजीली, जिससे कि बारिश का पानी आराम से नीचे झड़के गिर जाए एंड डजंट गेट कलेक्टेड ऑन टॉप ऑफ द रूफ। हाउ डज वन एंटर्स दीज हाउसेस? घर के अंदर जाने के लिए ये लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? पीपल एंटर दीज हाउसेस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फोल्डेबल लैडर। वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेस। कैन यू टेल व्हाई? रात के समय घरों के अंदर जाने वाले सीढ़ी को फोल्ड करके अंदर रख दिया जाता है। क्या तुम बोल सकते हो ऐसा क्यों? द लैडर इज रिमूव्ड टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स टू एंटर द हाउस एट नाइट।
रात को कोई जंगली जानवर घर के अंदर ना आ जाए, इसीलिए इन सीढ़ियों को फोल्ड करके अंदर रख दिया जाता है। भूपेन के बाद बारी आई चमेली की। चमेली कहती है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली, मैं मनाली से आई हूँ। मनाली कहाँ है? हमारे देश के स्टेट हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला के ही पास का एक छोटा सा शहर है मनाली। मनाली भी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हेविली एंड स्नोज एज वेल, और मनाली में जोरदार बारिश के साथ बर्फ भी गिरती है सर्दियों में। When it is very cold, we like to sit in the sun. और जब बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो ऐसा लगता है दिन के समय में हम बस धूप के नीचे ही बैठे रहे। Our houses are made of stones and wood. और इसीलिए हमारे घर ज़्यादातर लकड़ी या फिर पत्थरों के बने हुए होते हैं, क्योंकि लकड़ी और पत्थरों के बने हुए घर के अंदर आपको क्योंकि लकड़ी और स्टोन से बने हुए घर के अंदर आपको उतनी ठंडी नहीं लगती, आपको गर्माहट का अनुभव होता है। इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, तो फिर चमेली का घर कहाँ है? चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज अ हिली एरिया। वॉट इज द सिमिलैरिटी ऑफ रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? चमेली और भूपेन के घरों की छतों के बीच में क्या समानताएं हैं? चमेली के घर की छत भी स्लैंटिंग होती है और भूपेन के घर की छत भी स्लैंटिंग थी। बिकॉज बोथ लिव इन अ प्लेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, बोथ द हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ सो दैट द रेन और द स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजीली। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? तो जैसे हमने बोला वहाँ पे बारिश बहुत होती है, मनाली में तो स्नो भी बहुत गिरता है। सच रूफ्स डज नॉट अलाउ रेन और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ। उसके बाद बारी आई मिताली। मिताली और अंजुन दिल्ली से आए हैं। उन्होंने अपने यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी दिखाए। दे शोड द पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड, ओ सच टॉल हाउसेस, इतने ऊंचे ऊंचे घर, हाउ डू यू क्लाइंब अप, तुम इतने ऊपर कैसे चढ़ते हो? तब मिताली एंड अर्जुन ने बोला, इस तरीके के बिल्डिंग्स को हाई राइज बिल्डिंग बोला जाता है क्योंकि ये बहुत टॉल होते हैं, और जाहिर सी बात है इतनी सारी सीढ़ियां तो लोग नहीं चढ़ पाते होंगे, इसीलिए इन बिल्डिंग्स के अंदर लिफ्ट की व्यवस्था की जाती है। बटन दबाते ही लिफ्ट ऊपर चला जाता है और बटन दबाते ही लिफ्ट नीचे आ जाता है। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? पीपल यूज लिफ्ट्स टू गो अप इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। उसके बाद बारी आई कांशीराम की। कांशीराम ने कहा, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं हमारे देश के एक बहुत बड़े स्टेट राजस्थान से आया हूँ। और राजस्थान की क्या स्पेशलिटी है? यहाँ पे दूर दूर तक आपको रेगिस्तान और सैंड नजर आएगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। इस तरीके की रेगिस्तान में ऊंट बहुत ही आसानी से चल फिर सकते हैं। काशीराम बोलता है कि राजस्थान में रेनफॉल बहुत ही कम होता है, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, और यहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है। इट इज़ वेरी हॉट हेयर। वी लिव इन मड हाउसेस, और इसीलिए हम मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं। जैसे मिट्टी के मटके के अंदर पानी कितना ठंडा ठंडा हो जाता है, वैसे ही मिट्टी के घरों के अंदर रहने से भी यहाँ के लोगों को गर्मी बहुत कम लगती है। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी, These walls are plastered with mud. और इस तरीके के मिट्टी के घरों को बनाने के लिए मोटी मोटी दीवारों का इस्तेमाल होता है। The roof are made of thorny bushes. और इस तरीके के घर की छत को बनाने के लिए कांटेदार झाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह ग्रुप के सभी बच्चों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया जो अलग अलग जगह से आए थे। उनके इंट्रोडक्शन के बाद स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने बहुत सारे डांस किए, अपने यहाँ के फोक सॉन्ग्स अपने अपने लैंग्वेज में गाए, और इसके बाद सभी बच्चों ने खाना खाया और मज़ा किया। अब हम कहीं पे जब जाते हैं घूमने तो वहाँ के आसपास के एरिया में भी घूमने जाते हैं, तो क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे श्रीनगर आए हुए थे तो श्रीनगर घूमने जाना भी बनता है। इसीलिए शाम को सभी श्रीनगर के फेमस डाल लेक में घूमने गए। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डाल लेक। डाल लेक श्रीनगर का एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब श्रीनगर पे घूमने के लिए जो भी लोग जाते हैं वो डाल लेक में घूमने बहुत जाते हैं। यहाँ से दूर की हिमालय वाली पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है।
इस डाल लेक पे एक स्पेशल तरीके की बोट भी चलती है जिसे हम शिकारा बोलते हैं। इस तरीके के शिकारा में घूमने से बहुत मजा आता है। शिकारा के अलावा यहाँ पे हाउस बोट भी आपको नजर आएंगे। हाउस बोट एक तरीके का हाउस होता है जो बोट के ऊपर बना हुआ होता है और जिसके अंदर आपको बहुत सुंदर सुंदर डिजाइंस और नक्काशी देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे शिकारा पर बैठ के घूमने लगे। वी ऑल्सो सॉ द चार चिनारा सराउंडेड बाई ब्लू माउंटेन्स। चार चिनारा नाम का एक सुंदर सा स्पॉट है डाल लेक के ऊपर, जहाँ से हमें नीली नीली पहाड़ियाँ दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि हम मानो दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह पे पहुँच गए हैं। सो नाउ टेल मी, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस? अ हाउस बोट इज अ हाउस मेड ओवर अ बोट। इट कीप्स फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड कैन मूव, वेयर एज अदर हाउसेस स्टे एट वन प्लेस। एक हाउस बोट एक बोट के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता है और एक जगह से दूसरी जगह हिल भी सकता है, जबकि बाकी घर सिर्फ एक जगह पे फिक्स रहते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू लिव इन अ हाउस एंड व्हाई? क्या आपको भी उस तरीके के हाउस बोट में रहने में अच्छा लगेगा? यस, वी वुड डेफिनेटली लव टू लिव इन सच अ हाउस एज इट वुड बी सो डिफरेंट एंड एक्साइटिंग। चलिए अब थोड़ा मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। पिक्चर में आपके लिए अलग अलग तरीके के घरों को दिखाया गया है। इन दिस फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी एन इग्लू। इट इज अ हाउस ऑफ स्नो। इस तरीके के हाउस अंटार्कटिका में पाए जाते हैं जो बर्फ का बना हुआ होता है और बाहर की कड़ाके की ठंडी से बचने के लिए एस्किमोस इस तरीके के इग्लू बना के इसके अंदर रहते हैं। सेकेंड पिक्चर में हमने अभी अभी क्या देखा? हाउस बोट देखा श्रीनगर के डाल लेक के ऊपर। थर्ड पिक्चर में हमने दिल्ली के टॉल टॉल हाई राइज बिल्डिंग्स देखे, जिन्हें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पिक्चर है एक टेंट। जब हम कहीं पे कैंपिंग जाते हैं, कहीं पे पिकनिक जाते हैं, तब हम इस तरीके के कपड़े से बने हुए टेंट हाउस को बनाते हैं और उसमें आराम करते हैं। और लास्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं मिट्टी और घास से बना हुआ एक हट। इस तरीके के घर ज्यादातर हमें गाँव में देखने को मिलते हैं। घर बनाने में कितने अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, कितने अलग अलग सामान का इस्तेमाल होता है घर बनाने के लिए। तो आप भी उन सामान पे टिक लगाइए जिन सामान से आपका घर बना हुआ है। पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। तो जैसे आजकल हम सभी शहरों में रहते हैं और शहरों के सारे घर लगभग एक ही टाइप के सामान से बनते हैं, जैसे सीमेंट, आयरन रॉड्स, लाइमस्टोन यानी कि चूना। घर बनने के बाद जो हम घर के अंदर व्हाइट कलर का व्हाइट वॉश करते हैं वो चूने से बनता है जो कि होता है लाइमस्टोन। उसके बाद हम ब्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं दीवारें बनाने के लिए, ग्लास का इस्तेमाल करता है खिड़कियां बनाने के लिए और स्टोन्स का भी इस्तेमाल होता है सीमेंट के साथ मिक्स करके ईंटों को जोड़ने के लिए। यू कैन ऑल्सो लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड। वॉट आर दे मेड अप ऑफ? So the houses in our neighborhood is also made up of cement, bricks, stones, iron rods and glass. So this is our beautiful and small chapter. Hope you like it. We will meet very soon with the explanation and workbook solution of our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.